हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई विल टीच यू व्हाट टू द रेस्ट बिन देयर रेस्ट इन पार्ट्स देयर रेस्ट पार्ट यानी इसका शेष भाग हम पढ़ेंगे सेकंड पर स्टैंजा सेकंड द वन हुज स्ट्रीम विद द स्टीप स्काईज प्रमोशन द वन हुज स्ट्रीम इन दिस व्हेन द पार्ट डिस्क्राइब्स अबाउट द वोट टू द वेस्ट बिन वेस्ट में पछुआ पवनों को संबोधित करते हुए कवि कह रहा है कि डाउ ऑन हूज स्ट्रीम मिड आर द स्टीप स्काइज प्रमोशन और आकाश में हलचल हो रही है लूज क्लाउड्स लाइक आर डिकेइंग लीव्स एंड आर से और सारे जो पत्तियां हैं डिकेइंग लीव्स आर सेड पत्तियां गिरकर फैल रही हैं सूख फ्रॉम द टेंगल्स वर्क ऑफ हेवन एंड ओशियन और इस तरह से सूप फ्रॉम द टेंगल्स बग्स ऑफ हेवन एंड ओशियन और इस तरह से सूप फ्रॉम टेंगल्स बग्स जो शाखाएं हैं वो एक दूसरे से उलझी हुई हैं एंगल्स ऑफ रेन एंड लाइटनिंग देयर आर स्प्रेड ऑन द ब्लू सरफेस ऑफ साइड एरिया एयरी सर्ज एंगल्स ऑफ रेन और बरसात और बिजली चमक रही है देर आर स्प्रेड और चारों तरफ फैला हुआ है ऑन द ब्लू सरफेस ऑफ डाइनी एरी सर्च और चारों तरफ नीली सतह उभरी हुई है लाइक द ब्राइट हेयर ऑफ लिफ्टेड फ्रॉम द हेड और जैसे लग रहा है कि चमकदार बाल है ऑफ सम फियर्स मीन इवन फ्रॉम द डिम वर्ज ऑफ द होराइजन टू द जेनिस हाइट ऑफ सम फियर्स मीन मेन इवन फ्रॉम द डिम वर्ज और इस तरह से कुछ जो बादल है वो वर्ज में झुके हुए हैं ऑफ द होराइजन टू द जेनिस हाइट और ऐसा लग रहा है कि जैसे क्षितिज गिरा हुआ द लॉक्स ऑफ द अप्रोचिंग स्टॉर्म डाउडर्स और इस तरह से कवि अपने शोक गीत को प्रस्तुत कर रहा है जैसे अप्रोचिंग स्टॉर्म जैसे तूफान से भरा हुआ अप्रोचिंग मींस जुड़ा हुआ स्टॉर्म मतलब तूफान से डर्ज मतलब शोक गीत को प्रस्तुत कर रहा है फिर से नाउ वंस अगेन डाउ ऑन हूज स्ट्रीम विद द स्टीप स्काई कमोशन इन द स्काई देयर आर मेनी कमोशन लूज क्लाउड्स लाइक अस डिकेइंग लीव्स आर सेट डिकेइंग लीव्स आर सेट पत्तियां गिर रही हैं और इधर उधर फैल रही हैं सूप फ्रॉम द टेंगल्स बग्स ऑफ हेवन एंड ओशियन और हेवन एंड ओशियन सागर में और टेंगल्स बग्स मतलब शाखाएं इधर उधर उलझी हुई हैं एंगल्स ऑफ रेन एंड लाइटनिंग देयर आर स्प्रेड ऑन द ब्लू सरफेस ऑफ साइन डाइन एरी सन इस तरह से बिजली चमक रही है रेन बरसात हो रही है देयर आर स्प्रेड ऑन द ब्लू सरफेस ऑफ डाइन एरी सन और इस तरह से नीली सतह उमड़ पड़ी है लाइक ब्राइट हेयर अपलिफ्टेड फ्रॉम द हेड और इस तरह से जैसे लग रहा है कि ब्राइट हेयर मतलब चमकदार बाल सर से उड़ रहे हैं ऑफ सम फियर्स माइंड इवन फ्रॉम द डिम वर्ज और इस तरह से इवन फ्रॉम द डिम वर्ज और जैसे लग रहा है कि ऑफ सम फियर्स मीन कुछ बादल झुके हुए हैं ऑफ द होराइजन टू द जीनिथ हाइट और जीनिथ मीन होता है द हाइएस्ट पॉइंट जो लग रहा है कि क्षितिज का जो सबसे हाइएस्ट पॉइंट है वो दिखाई दे रहा है द लॉक्स ऑफ द अप्रोचिंग स्टॉर्म डाउडर्स और इस तरह से शोक गीत के रूप में कवि कह रहा है।